हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आई हूँ पार्लर भाभी के पास थोड़ा ट्रिमिंग के लिए। थोड़े जो मेरे स्टेप्स हैं वो थोड़े से दिखाई नहीं दे रहे हैं, ग्रोथ थोड़ी हो गई है हेयर्स की, तो मैं ट्रिमिंग कराने के लिए आई हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कराने, शॉर्ट तो हैं, लेकिन बस ट्रिमिंग कराने की, थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाभी ने स्प्रे करना शुरू कर दिया है हेयर में। वैसे ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी मुझे ट्रिमिंग कराने के लिए, फिर भी मैंने कहा चलो करा लेती हूँ, संडे है करा लेती हूँ। अब मुझे खुद नहीं पता ये वीडियो मेरी कब आएगी। एडिटिंग तो मैं कर ही देती हूँ, लेकिन कब तक मैं इसे पब्लिक करूँगी मुझे खुद नहीं पता। बस ये है कि पार्लर हो आई, टाइम मिला, हर संडे कुछ ना कुछ करा लेती हूँ टाइम मिलता है। आज मैं ट्राईपॉड लेके गई थी। वैसे तो मैं हर बार ट्राईपॉड ले जाती हूँ, लेकिन बच्चे मेरे साथ नहीं जाते मोस्टली, और जाती है तो हिमाद्री जाती है। लेकिन आज घर गया था तो मैंने घर से कहा ट्राईपॉड पकड़ो, तो आज घर जो है वीडियो शूट कर रहा है। तो आप देखिए मेरे बेटे ने कैसे वीडियो शूट करी है। वैसे तो पास से उसने करी है, अब देखती हूँ मैं भी एडिटिंग करने के साथ साथ मुझे ये पता चलेगा किस तरीके से उसने वीडियो बना रखी है। पहले भाभी बैक साइड के हेयर की ट्रिमिंग कर रही हैं, तो देखिए भाभी स्टेप बाय स्टेप स्टेप कटिंग की किस तरीके से ट्रिमिंग करती हैं। हर बात कुछ ना कुछ फ्रेंड्स को रहती है शिकायत कि आप स्टेप कटिंग बहुत दूर से दिखाती हैं, और इस बार मैं काफ़ी क्लोज से कटिंग दिखा रही हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाएगा किस तरीके से भाभी ने स्टेप कटिंग करी है। थोड़ी बातें भी होती ही रहती हैं भाभी और मेरी, बातें भी कर रहे हैं और साथ में काम भी चल रहा है। वेदर भी चेंज होने लगा है, कभी गर्मी सी फील हो रही है, कभी ठंडा सा हो जा रहा है। कल बारिश भी हुई थी हल्द्वानी में, आज तो नहीं हुई, आज तो धूप निकली हुई, लेकिन कल काफ़ी मौसम चेंज हो गया था। तो तबीयत ख़राब होने वाला मौसम है, तो प्लीज़ आप सब लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, केयर करिएगा अपनी, क्योंकि वुलन्स भी हम पहनने तो हमें पड़ेंगे ही, क्योंकि पूरी तरह हम नहीं मतलब उतार सकते वुलन्स, क्योंकि एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इस समय अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। वैसे ही बदलता हुआ मौसम है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरी बेटी को भी खांसी हो रही है जो सही नहीं हो पा रही है। अब मैं कफ सिरप तो पिला रही हूँ, अगर नहीं होती फिर मुझे भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और मम्मी की बहुत ही याद आती है, एकदम ही अचानक से याद आती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, फिर मैं अपने को चेंज करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं मेरी बेटी एकदम कहने लगती है मम्मी आप रो मत, क्यों रो रही हो आप। मैं मोबाइल में, ये तो अच्छा है कि यूट्यूब के ज़रिए मेरी माँ की यादें, ढेर सारी यादें वीडियो के रूप में मेरे पास हैं, और जब मेरा मन करता है मैं यूट्यूब अपने दूसरे नंबर से मोबाइल से यूट्यूब खोलती हूँ, मम्मी की सारी वीडियो देखती हूँ, बहुत याद आती है। पापा की डेथ हुई थी तो एक आध फोटो ही थी खाली, उस टाइम पे वीडियो भी हम ऐसे नहीं बनाया करते थे, तो कुछ भी ऐसा नहीं है फ़ोटो के अलावा, लेकिन माँ का खाना, माँ का बोलना, माँ की सॉन्ग, सब कितनी सारी वीडियोस मेरे पास हैं। स्टेप कटिंग काफ़ी कर दी है ट्रिमिंग, अब भाभी ने फिर से साइड मांग निकालती है जैसे कि मैं निकालती हूँ, और उसके बाद आगे की हेयर की कटिंग हो रही है।
आज मैंने जो वीडियो है वो नॉर्मल ही चला रखी है, स्पीड नहीं बढ़ाई है। मैंने कहा चलो आज स्टेप बाय स्टेप नॉर्मली कैसे भाभी का बाल काटती हैं दिखाती हूँ तो मैं आप लोगों को, इसलिए आज स्पीड बढ़ा के नहीं दिखा रही हूँ वीडियो। बस भाभी ने स्टेप कटिंग कर दी है, थोड़े बाल चिपके चिपके से लग रहे थे तो मैंने भाभी से कहा आर ड्रायर लगा दीजिए, थोड़े सुखा दीजिए बालों को। तो भाभी ड्रायर लगा रही हैं जिससे कि हेयर थोड़े सूख जाए, वो चिपके भी अजीब से ही लग रहे थे। और इसके बाद मुझे ज़रा कहीं जाना था फैमिली को, तो मैंने कहा ज़रा से सुखा दीजिए कि वो गंदे से ना लगें। तो भाभी ड्रायर लगा रही हैं और अच्छे से बालों को सुखा रही हैं। थोड़े पफी पफी से हेयर हो गए हैं, काफ़ी समय बाद मैंने ड्रायर यूज़ करा। पहले मैं स्टेप कटिंग कराती थी तो मैं हमेशा ड्रायर जरूर यूज़ करती थी, अब मैंने करना छोड़ दिया।
चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।